तो भाइयों कुछ लोग राजा पोरस का इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन जो पोरस था उसकी जंग जेल में हुई थी। और भाइयों जो पाकिस्तान पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट ने ऑफिशियल उनकी जो भी है तो उन्होंने आप देखिए साफ साफ लिख दिया है कि जो मुल्तान महल है ये कटोचगढ़ का नाम से है और इसको कटोच डायनेस्टी के क्षत्रियों ने जहाँ आज के राजपुत्रों ने बनवाया था। जब पोरस का नाम परमानंद कटोच था, पोरस इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि ये पुरू के लाइने से थे, वो यदु के नहीं थे, वो पुरू के थे। तो भाइयों राजा भरत हुए हैं उसके आगे वंश से ही पुरू वंश चला है। पुरू वंश में आगे कौरव और पांडव हुए हैं और ये कौरवों की शाखा थी और ये पंजाब का इलाका तब त्रिगाडा किंगडम कहलाता था। इन्होंने दो महल बनाए थे, एक बनाया था मुल्तान में और एक कांगड़ा में, और इनकी तीसरी राजधानी जलंधर थी। इस पूरे हिस्से पर कटोचों का राज होता था, त्रिगाडा किंगडम का। राजा सुशर्मा चंद्रा राजा थे, आप सर्च कर सकते हो। तो भाइयों इतिहास चोर फिर क्यों इतिहास चोरी कर रहे हैं? जो यूपी बिहार के कुछ इतिहास चोरी कर रहे हैं, यूपी बिहार में भी ठाकुरों ने क्षत्रियों ने राज किया, तो वहाँ के लोग जहाँ पंजाब में मिलते ही नहीं, जो जेलम मुल्तान में मिलते ही नहीं वो लोग, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ने मुंह तोड़ जवाब दिया है उनको, ये देख लो आँखें खोल कर, कि मुल्तान महल जो है ये राजा पोरस का आखिरी बाग था। जो राजा पोरस हुए हैं वो मुल्तान शहर राजा पुरू के शासनकाल का अति भाग था। इनमें बहुत सारी शाखाएं निकली है जिन्होंने हिमाचल से लेकर पंजाब और खाड़ियां पख्तूनबा तक रूल किया है, जिसमें सबसे अहम शाखा है जसवाल, चिब, डड़वाल, गुलेरिया, सीबिया, ये सभी क्षत्रिय वंश भी कटोचों की ही शाखाएं हैं। तो जेलों के पास ही 50 से ज़्यादा गाँव चिबों के आज भी मिलते हैं जहां पर उनका युद्ध हुआ था। तो सभी भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं कि मुल्तान